हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मालको और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE रेसिंग शोडाउन गेम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसका थीम देख के समझ ही आ गया होगा दोस्तों कि ये एक रेसिंग गेम है और इसमें WWE के कैरेक्टर्स को लिया गया है। तो दो कॉम्बिनेशन बिठाए गए हैं यहाँ पे, रेसिंग प्लस रेसलिंग का, तो उसी के बेसिस पर गेम बनाया गया है। इसको हम प्ले करके देखेंगे कि ये गेम कैसा है और इसको आपको डाउनलोड करना चाहिए या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको प्ले करते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक कैंपेन और दूसरा मल्टीप्लेयर। तो मल्टीप्लेयर का यही मतलब है आप किसी के साथ भी खेल सकते हैं इसको, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो वो आपका अनलॉक होगा लेवल 7 के बाद। फिलहाल यहाँ पर हम कैंपेन खेलेंगे। मैं इसको ऑलरेडी खेल चुका हूँ दोस्तों और मैं इसके 5th लेवल पे अभी हूँ, और जैसे ही मैं 7th लेवल पे पहुँचूँगा उसके बाद मैं मल्टीप्लेयर भी इसको खेल सकता हूँ। तो मैं इस पे 5th लेवल को सिलेक्ट करके इसको आपको दिखाऊंगा कि ये गेम कैसा है। इसका इंटरफेस हमें ठीक लग रहा है देखने में। यहाँ पे दो कैरेक्टर अभी मिल रहे हैं, ये अनलॉक होते हैं स्टार से। तो अभी हम रोमन रिग्स को यहाँ पे ले लेंगे। Weighing in at 265 pounds from Pensacola, Florida, Roman Reigns. कंट्रोल्स हमें अच्छे दिए गए हैं यहाँ पे और ग्राफिक्स भी मेरे हिसाब से काफी अच्छे ग्राफिक्स हैं। गेम को थोड़ा यूनिक बनाया गया है। ये जॉन सीना को हमने लात मार के फेंक दिया है बाहर। ओ भाई, ये कहाँ से आया? रेसिंग प्लस फाइटिंग, तो बहुत सही कॉम्बिनेशन यहाँ पे डेवलपर ने इस गेम में दिखाया है हमको। यहाँ से बूस्ट भी कर सकते हो आप, बूस्ट करके भागेगा तेज। ओवरऑल गेम को बहुत अच्छा बनाया गया है। मेरे को तो WWE के गेम बहुत पसंद है, प्लस इसके साथ रेसिंग है तो कॉम्बिनेशन तो गजब ही है भाई। ओ भाई, क्या इसने पटकी दी है जॉन सीना को, यहाँ पे मजा ही आ गया देख के। अगर आपने रोड रैश गेम खेला होगा तो आपको ये गेम खेल के उसकी याद जरूर रहेगी। फ्रेंड्स, ये गेम आपको प्ले स्टोर में 700 MB के अराउंड मिल जाएगा, 700 MB से कम का ही है, 650 के आसपास। तो उसके हिसाब से इसके ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर वाइज भी ये काफ़ी जेन्युइन कैरेक्टर लग रहे हैं देखने में। और ये ऑनलाइन गेम है तो आप इसको ऑफलाइन नहीं खेल सकते हो। यहाँ पे हम रेस जीत गए। How to withdraw profit from Olymp trade without any commission? फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ है, वैसे मैंने ये पहले भी नोटिस करा था कि इसमें एड्स वगैरह बहुत आते हैं, तो इस गेम से मुझे एक ही शिकायत लग रही है, वो है एड्स। जैसे आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, इसमें एड्स काफी आते हैं। मैं पहले भी देख चुका हूँ, पहले मैंने इसको खेला था तो इसमें तब भी काफी एड्स मेरे को देखने को मिले थे। एक आधा एड दोस्तों सही लगता है, पर यहाँ पे हर बार रेस खत्म होने के बाद एड आ रहा है, या बीच में भी मैंने एक दो बार एड देखे थे इसमें, तो वो थोड़ा इरिटेटिंग होता है, तो उसको मैं डिसलाइक करूँगा यहाँ पे। बाकी तो गेम काफ़ी अच्छा है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, बच्चे भी खेल सकते हैं, अडल्ट भी खेल सकते हैं, और जिनको WWE प्लस रेसिंग गेम्स दोनों पसंद आते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा गेम है। ये दोनों को कंबाइन करके ही नया गेम बना दिया, तो मैं तो इसको 4 out of 5 रेटिंग दूंगा, इसको रिकमेंड करूँगा क्योंकि मुझे तो काफ़ी पसंद आया गेम। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा,
चाहे तो आप वहाँ से डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप गेम खेलना पसंद करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।